हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हां, एनसीईआरटी का सार यहां पे चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी में भूगोल। और भूगोल में भी हम लोग अपना हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4। तो ये है यहां पर उसका पेज, जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके से, आप जो अपने लिए खरीद भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लास्ट में आपके लिए एक अच्छा सा क्विज लेके आते हैं और उस क्विज की खासियत ये है कि एक तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी चैप्टर के, और दूसरा कि उसमें एनसीईआरटी के सवालों को भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के केवल 10 मिनट में हम पूरे का पूरा एनसीईआरटी का ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नाम क्या है, वायु। तो यानी वायु से आपके दिमाग में और क्या क्या आता है, क्या रेनफॉल वायु से संबंधित है? ठीक है, अगर है तो रेनफॉल के प्रकार क्या है, इसी तरीके के सवालों को आज आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। ठीक है, होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वो क्या करती है, वो गर्मी को पकड़ लेती है, मतलब ट्रैप कर लेती है। तो उससे ज्यादा ज्यादा क्या होगी भाई, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखा रही है। ठीक है, लेकिन इसी के कारण धरती पर ज्यादा ठंडा नहीं भी होता है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के फायदे में। ठीक है, अब देखिए बात कीजिए, अगर एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से बना है, तो मुख्यतः बना है नाइट्रोजन से लगभग 78%, नेक्स्ट है ऑक्सीजन लगभग 21%, और वहीं 0.003 या 0.04% है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद नंबर आता है आर्गन का, और इसके बाद है आपकी हीलियम और ओजोन। तो चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कुल कितनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके अलावा जो सबसे खासम खास है वो है डस्ट, यानी कि धूल। तो एटमॉस्फेयर का मेन पार्ट क्या है, आपका धूल भी है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो जानवरों में या इंसानों को ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ उसको एक्सहेल और इनहेल करते हैं, लेकिन प्लांट्स को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, तो वो बैक्टीरिया के माध्यम से क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। अब देखिए पूरा पेज आपको क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ग्रीन प्लांट्स की बात की है, तो ऑक्सीजन से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, और ऑक्सीजन भी आपका क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, चलिए और अगर बात की जाए, तो अगर ये बैलेंस जो है आपका गैसेस का, तो ये अपसेट यानी खराब कैसे होता है, तो अगर आप यहाँ पे कभी भी एक धुआं ज़्यादा करोगे, तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉइंट लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से कितने टन यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बिलियन ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है। तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे मान लो मिलियन लिख दे, करोड़ लिख दे, तो ये भी ऑप्शंस बन सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एयर सर्कुलेशन, मतलब एयर सर्कुलेशन कैसे होता है भाई। कोई भी अगर हवा है, अगर वो गर्म होगी तो क्या होगा, हल्के से हल्की होगी और ऊपर चली जाएगी, और वहीं अगर कोई हवा आपकी ठंडी है तो वो भारी होके नीचे आती है, यही आपका क्या है, एयर सर्कुलेशन बनाता है। यानी कि जब आपकी गर्म हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा सराउंडिंग की क्या करेगी, उस गैप को फिल कर देगी, मतलब जैसे ही ये ऊपर उठी वैसे ही ठंडी हवा इसकी जगह पे आ जाएगी। ये आपकी कोल्ड विंड थी, आपकी हॉट विंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की, यानी कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बना है। अब ये नंबर ऑफ लेयर याद कर लो, यहाँ पे कुल कितने नंबर हैं, 5। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है आपकी, 13 किलोमीटर, कई जगह पे आपको 8 किलोमीटर भी दिखेगा। ठीक है, और इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण, वो वायु जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और उसके अलावा जो भी रेनफॉल होगी, फॉग होगा, या फिर हेल स्टॉर्म यानी कि ओले गिरेंगे, ये सब किस में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समताप मंडल। तो एक था 13 किलोमीटर पे, अब कितने पे आ गए हम लोग, 50 किलोमीटर पे। तो यहाँ पर क्लाउड नहीं होते हैं, इसीलिए ये आपका एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, और उसके अलावा यहाँ पे ओजोन भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए पेज आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है वो चित्र जहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि कौन सी यहाँ पे लेयर कहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए बात किया ट्रोपोस्फीयर की, भले ही 13 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन यहाँ देखो 10वें पे क्या है आपका, ट्रोपोपॉज है, मतलब ये एक तरीके से कनेक्शन है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में।
अब देखो ये एरोप्लेन और ओजोन कहाँ बने हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि लगभग लगभग आपका 30 किलोमीटर से ऊपर है। और वहीं स्ट्रेटोपॉज की बात की जाए तो ये लगभग कितने किलोमीटर पे, आपका लगभग लगभग 45 किलोमीटर पे। और वहीं अगर मीजोपॉज की बात की जाए तो ये भी आपका 85 किलोमीटर पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि स्ट्रेटोपॉज कहाँ पे और मीजोपॉज कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए आपको पिक्चर क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीजोस्फीयर के बारे में। तो मीजोस्फीयर कितनी हाइट पे, आपका 80 किलोमीटर पे है। और यहाँ पे मीटोराइट, मतलब जो पुच्छल तारा जैसे मीटोराइट आते हैं वो यहीं पे आके जल जाते हैं। तो मतलब जो स्पेस, अगर सेटल भी अगर आपकी जलती होगी तो कहाँ जलती होगी, मीजोस्फीयर में, ठीक है। और अगर बात की जाए थर्मोस्फीयर की, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हाइट की बात की जाए तो 400 किलोमीटर तक है, और यहीं पे आपके रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक्सोस्फीयर की बात की जाए तो ये एक तरीके से स्पेस ही माना जाता है। यहाँ पर एयर कैसी है, बहुत पतली होती है, और हवा आपकी गैसेस कौन सी हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। एक बहुत ही मज़ेदार फन फैक्ट है, क्या है कि अर्थ जो है आपका कितनी सन एनर्जी पाता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 × 10⁻⁹ हिस्से तक की जो एक वो है, 1/2 × 10⁹ हिस्से की जो सन एनर्जी है केवल उतनी ही मिलती है पृथ्वी को, ठीक है। चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। एक चीज हमेशा याद रखिए, वेदर हमेशा प्रतिदिन बदलता है, ठीक है। जैसे आज गर्मी ज्यादा है, कल गर्मी हो सकता है कम हो, और वहीं जो एवरेज वेदर है, मतलब अब एक हफ्ते या एक महीने के बाद जो आपका वेदर चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को क्लाइमेट कहेंगे। जैसे आपका वसंत ऋतु अलग है, वहीं विंटर सीजन अलग होता है, ठीक है। अगर देखो टेम्परेचर की बात की जाए, बहुत ईजी है, गर्म और ठंडे के जो डिग्री है उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक। और ये आपका ना केवल दिन और रात में बदलता है बल्कि मौसम के हिसाब से भी बदलता है। इंसुलेशन क्या है, तो जो आपकी सौर ऊर्जा आती है पृथ्वी पर उसी को इंसुलेशन कहते हैं। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे इंसुलेशन घटता चला जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को बदल भी सकता है, ठीक है। ये पेज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर यानी कि एयर का दाब, तो भाई दाब हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, वेट ऑफ एयर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो हाईएस्ट यहाँ पे आपको कहाँ पे बताया गया है, सी लेवल पे, और वहीं हाइट पे आपका क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टली बात की जाए यानी कि बिल्कुल ही समान आपकी यहाँ पे दूरी पर, ठीक है, हाइट पे बात की जाए, तो ये केवल टेम्परेचर के आधार पे ही बदलता है। अभी हमने एयर सर्कुलेशन पढ़ा था, फिर से एक बार देख लीजिए कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे हवा क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, राइट। और इससे वहाँ पर लो प्रेशर, क्योंकि भाई हवा तो वहाँ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब लो प्रेशर से यहाँ पे क्या होगा आपका, क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर हो जाएगा, ठीक है। और एयर हमेशा आपकी कहाँ से कहाँ घूमती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा प्रेशर था आपका, हाई प्रेशर। आइए इसको आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो वही जो एयर प्रेशर वगैरह है वो आपको समझाए गए हैं कैसे। तो देखिए ये जो आपकी वेस्टर्लीज है ये प्रेशर की वजह से ही तो यहाँ पे इस तरफ मूव कर रही है, और वहीं ट्रेड विंड्स देखिए तो इक्वेटर की तरफ ही क्यों मूव कर रही है, क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो हाई प्रेशर यहाँ पे हो गया और लो प्रेशर आपका इक्वेटर पे हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और वहीं ईस्टर्लीज आपकी कहाँ चल रही है, पोलर पे, और वेस्टर्लीज यहाँ पे आपकी ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के पास, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए रेन गॉज की अगर बात की जाए तो इसके माध्यम से आप बारिश को नाप सकते हैं, और विंड वेन जैसे आपका यहाँ पे देखिए मुर्गे में बना हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो इससे हवा को देखा जाता है। अगर ये ना समझ में आए तो झंडा जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं ना उससे भी हम डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। और अगर थर्मामीटर की बात की जाए ये तो पता ही होगा टेम्परेचर नापने के लिए, लेकिन बैरोमीटर से सवाल कंफ्यूज होता है, क्योंकि इसमें आपके लिए हम लोग क्या नाप रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरण का दाब, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा फन फैक्ट है आपके लिए, क्या है कि विंड जो है आपकी उसी के नाम पे रखी जाती है जिस डायरेक्शन में वो बहती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर विंड वेस्ट से आपकी बह रही है तभी उसको वेस्टर्ली कहा जाएगा, तो ईस्टर्ली मतलब क्या हुआ कि वो ईस्ट से बह रही है।
विंड देखिए तीन प्रकार की, कितने प्रकार की यहाँ पे आपकी, तीन प्रकार की, परमानेंट, सीजनल और लोकल। लोकल का मतलब क्या हुआ कि किसी छोटे से एरिया या फिर शहर में अगर आपकी बह रही है तो क्या कहेंगे, लोकल विंड। वहीं अगर किसी एक पर्टिकुलर मौसम में बह रही है तो क्या कह देंगे उसे, सीजनल। एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, मानसून, ठीक है। और परमानेंट विंड्स कौन कौन सी आपकी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अब आप फिर से चाहिए तो जाके देखिएगा कि ईस्टर्लीज कहाँ पे बह रही थी और वेस्टर्लीज कहाँ पे बह रही थी। तो ये हमेशा बहती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पेज क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है रेनफॉल के प्रकार के बारे में। साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब क्या है कि जब कोल्ड एयर और वार्म एयर, यहाँ पे वार्म एयर ऊपर गई, कोल्ड एयर नीचे आ गई, तो क्या हो गई आपकी, साइक्लोनिक रेनफॉल। वहीं अगर कोई पहाड़ बीच में आ गया तब बारिश हुई तो क्या हो गया, ओरियोग्राफिक रेनफॉल। और अगर सिर्फ देखिए गर्म हवा के ऊपर उठने से ही अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कुल रेनफॉल कितने प्रकार की हो गई आपकी, तीन प्रकार के, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा रह गया यहाँ पे मॉइस्चर के बारे में जानना, बहुत ईजी है। मॉइस्चर का मतलब क्या है कि अगर पानी जो है आपका इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो इवेपोरेट होकर एयर में पहुंचेगा वो क्या बन जाएगा, ह्यूमिडिटी, यानी उसे हम लोग नमी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हवा आपकी गर्म होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी वाटर वेपर को सोखने की, मतलब वो उतनी ही क्या हो जाएगी, ह्यूमिड हो जाएगी। इसलिए गर्मियों में आपको चिपचिपाहट सी महसूस होती है। और एक और एग्जांपल है बहुत प्यारा सा कि क्लोथ जो है आपके ह्यूमिड डे में ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में, और उसी तरह पसीना भी क्या होता है आपका, ज़्यादा समय लेता है। और वहीं अगर बात की जाए कि वाटर वेपर अगर आपका राइज होता है तो वो साथ ही साथ क्या होता है, ठंडा होने लग जाता है। अगर ठंडा होगा तो वहाँ पे क्लाउड बन जाएंगे और बारिश हो जाएगी। अब देखिए आपने देखा होगा जेट प्लेन जब गुजरते हैं तो उसके पीछे बहुत ही एक सफ़ेद सी धारी सी बनी रहती है, तो वो धारी एक्चुअली में क्या है, जो मॉइस्चर है जो कि कंडेंस हो गया। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे टाइम है आपके क्विज के लिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है कि मेरे साथ में आपको पहले यहाँ पे खुद से सॉल्व करके देखना है और फिर हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, ठीक है, यहाँ पे रेज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हार्मफुल रेज से कौन बचाता है, तो ओजोन बचाती है। इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर कौन सी है, तो आप खुद सोच के देखो कि जहाँ ओजोन है वहीं पे इंपॉर्टेंट लेयर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, यानी जहाँ पे बादल नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, आंसर हो जाएगा घटेगा, ठीक है। चलिए फटाफट मैच द फॉलोइंग करते हैं। ट्रेड विंड्स, अब याद आ गया होगा परमानेंट विंड्स है, राइट। लू क्या थी, लू आपकी लोकल विंड थी जो कि भारत के कुछ ही हिस्सों में बहती है। और वहीं मानसून क्या है, मानसून सीजनल विंड है। और वहीं विंड यानी वो वाकई में जो हवा है वो आपकी कहाँ बहती है, वो हॉरिजॉन्टल में बहती है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गए आपके एनसीईआरटी के सवाल। अब करते हैं कुछ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। पहला सवाल क्या कह रहा है, मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए, अंडरग्राउंड वाटर। थोड़ा चौंकाने वाला जवाब था ये, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एस्थेनोस्फियर, ठीक है। और चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, ओजोन होल किसकी प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग CFC, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे सारे सवाल भी सॉल्व कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो एक और नया टॉपिक होगा आपके लिए। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।